नमस्कार, मेरा नाम अलीना है और मैं आपके लिए एक स्पेशल वेदर फोरकास्ट लेके आई हूँ। अगर हमने वैज्ञानिकों की बात नहीं सुनी तो आने वाले समय में पूरे विश्व में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। कैसे? मैं समझाती हूँ। आइए देखते हैं कि 2050 में मौसम का क्या हाल होगा। देश भर में आप लोगों की तरह मैं और मेरे दोस्त भी हीट वेव से परेशान हैं। हीट वेव नहीं समझे? अरे वही जिसे इतने सारे लोग लू या बहुत ज़्यादा गर्मी समझते हैं। अब स्कूल के समर ब्रेक में नाना नानी दादा दादी के घर जाना बंद और घर के बाहर खेलना भी बंद। इस गर्मी से गेहूं समेत अनेक फसलें और बागवानी भी चौपट हो रही है। फेवरेट सब्जी और फ्रूट्स के साथ रंग बिरंगे फूलों का दिखना भी मुश्किल हो रहा है। तूफान और बाढ़ से प्लेग्राउंड में खेलना बंद और स्कूल में पढ़ाई बंद, मतलब नो मस्ती विद फ्रेंड्स। चारों ओर प्रदूषण और गर्मी से इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं। डर लग रहा है ना जाने कितने तरह के वैक्सीन इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। मगर मौसम सुधरने के आसार नजर आ रहे हैं। पूरे देश में रिन्यूएबल एनर्जी की हवाएं जोर पकड़ रही हैं। सोलर और विंड एनर्जी शहरों और गाँव में राहत पहुँचा रही है। मनुष्य, जीव जंतु और पर्यावरण सब खुश हैं। सैटेलाइट द्वारा प्राप्त हुई तस्वीरों से यह स्पष्ट है कि आप लोगों को यह प्रयास जारी रखने होंगे, वरना मौसम फिर खराब हो सकता है। हम मौसम पर निरंतर नजर बनाए रखेंगे और आप तक सीधी खबर लाते रहेंगे, क्योंकि बात सिर्फ मौसम की नहीं, हमारे भविष्य की है।